नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। जेजीआई ग्वालियर तेजस्विनी के द्वारा जेजे बिग विग प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत पहले दिन बीवीएम स्कूल तानसेन नगर में गुड टच बैड टच ट्रेनिंग के अंतर्गत के दीक्षित के द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा को यह बताना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। बच्चे प्रतिदिन अपने माता पिता को दिन भर अपनी की गई एक्टिविटी के बारे में बताएं, संकट के समय सतर्क रहें और आवश्यकता अनुसार चिल्लाना, काटना, भाग जाना, उपस्थित महिला पुरुष से मदद मांगना, बताया गया। ग्वालियर से अनु पांडे की रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग के चुनाव को लेकर विभाग के इंजीनियर प्रकाश पालीवाल द्वारा बताया गया कि उम्मीदवारी जताने वाले किसान 3 तारीख तक अपना नामांकन फार्म भर सकते हैं। चुनाव में सहमति न बनने पर 16 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद अध्यक्ष चुनाव होंगे। जानकारी प्रकाश पालीवाल विभागीय इंजीनियर द्वारा दी गई। विभाग के ही बाबू जगदीश सिंह सावनेर और देवी चरण भी चुनावी कार्य में पालीवाल के साथ रहे। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। खंडवा के अंतर्गत 20 जो संस्था है उनके चुनाव होना है जी। 15 संस्था के अंतर्गत 10 संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 बृहद संस्थाएं जो सुप्ता बांध से संबंधित हैं जी। और 2 संस्थाएं हैं माइनर डैम से संबंधित हैं, जिसमें पंधाना तालाब और डाबी तालाब, 2 तालाबों को संयुक्त बनाया गया है और एक पलछा पानी तालाब जिसके अंतर्गत आता है। ऐसे 10 संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। बृहद संस्था के अंतर्गत 4 सदस्य चुने जाएंगे और माइनर जो डैम है उनके अंतर्गत 2 सदस्य चुने जाएंगे। इसके फॉर्म भरने की तारीख आज दिनांक 1/6/19 से प्रारंभ हो रही है, जो 3 तारीख तक रहेगी, जो जिसका समय 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने खंडवा खरगोन के वांछित ग्रामों में सिंचाई सुविधा को लेकर स्थानीय अनाज मंडी से किसानों की रैली निकालकर नगर में घूमते हुए सैकड़ों किसानों के साथ तहसील ऑफिस पहुंचे। एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर शंकरलाल सिंघाड़े को ज्ञापन सौंपा। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पहले सनस्सी से सुप्ता डैम से उसका पर्याप्त पानी उनको मिलता रहा, जिससे उनकी पेयजल व्यवस्था रही है। मैंने पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडवा में ये बात कही थी जब मैं पिछले दौरे पे आया था कि आज जब एक परियोजना बन चुकी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करके भले ही उसकी पाइपलाइन फूट रही है, तो पाइपलाइन की मरम्मत कराएं वो लोग। जब आपके पास नर्मदा का पेयजल खंडवा में पीने के लिए उपयुक्त है, तो आप 12 MLC पानी अतिरिक्त उपयोग जो कर रहे हैं सुप्ता का, उसको बंद करिए। उस 12 MLC पानी को जब ये लोग रोक देंगे, तो उससे पंधाना क्षेत्र का जो सूखा क्षेत्र है उसके लिए परियोजना लगाकर मात्र केवल 25 करोड़ की लागत में पाइपलाइन बिछ जाएगी साहब, और 4000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। ये हम उनको बोल चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि भाई परसों की जो मुलाकात होती है 3 तारीख को, उसके बाद क्या क्रियान्वयन सरकार करती है, वो कर लें अपना क्रियान्वयन, उसके अनुरूप हमारा निर्णय होगा। हमारा साफ साफ हमेशा कहना रहता है, जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी, हम उस सरकार का, उस प्रशासन का उस अनुपात में सहयोग करेंगे। दूसरा जो है, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से कुछ किसानों की मांग है, तो जो शासन स्तर से ही पूर्ति हो सकती है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिए गए हैं, इसलिए हम उचित माध्यम से सभी ज्ञापन जो है, 2 ज्ञापन दिए गए, दोनों ही हम जो है पहुँचा सकते हैं। ग्वालियर शहर में हो रही बिजली कटौती पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से जनता परेशान होती रही तो सभी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। कि ये बार-बार जो ट्रिपिंग हो रही है उसको निकालो, वो क्यों हो रही है वो कारण में बता दो। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।